29 and i find myself wondering what did happen to the last 10 i ran away with my life fast forward never turned back again it's kind of funny that the more we pass time the more we need to set them rewind and 19 was the year i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't believe it's true i'm just disappointed उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुशहाल हैं मैं हूँ यश चंदा राना और आज मेरी सवारी निकली है ऑन द बीच नवापुर विरार में जहाँ पे हम रहने वाले एक सी फेसिंग रूम है जिसका कॉस्ट सिर्फ तीन हज़ार रुपये है यकीन नहीं हो रहा ना मुझे भी इसका नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए और चलिए मेरे साथ इस सफ़र में जो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये उन लोगों के लिए है जो सफ़र करना चाहते हैं पर घर के बाहर निकलने से पहले बहुत सोचते हैं तो सुनिए ज़िंदगी थोड़ी ये जहाँ लिख देगा थोड़ी हम लिख देंगे और अगर कुछ बाकी रह गया तो वो फरिश्ते लिख देंगे तो देखिए मेरे साथ ये नज़ारा जिसके देख के ही मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आ गई है ये है मेरा रूम ऊपर की तरफ तो देखते हैं नज़ारा कैसा होगा वहाँ से लॉबी से अगर आप देखेंगे तो हरियाली दिखेगी और रूम से व्यू देखेंगे तो समंदर दिखेगा कहीं पे देखा है आपने ऐसा तो चप्पल निकाल के मैं चला अपने रूम में जहाँ ठंडी हवाएँ चल रही है और नज़ारा देखने के लिए मैं बेताब हो रहा हूँ तो पहले बालकनी में जाते हैं और ये उन लोगों के लिए जो ऑफिस में दिन रात काम करते हैं फिर भी वक्त निकाल के बीच पर थोड़ा घूम लेते हैं कि मंजिल भले ही उन चार दीवारों में लिखी है लेकिन आज भी इश्क समंदर की हवाओं से ही है चलिए शायरी बहुत हो गई अब रूम दिखाता हूँ मैं आपको इसका इंटीरियर तो बहुत होमली वाइब देगा आपको एंड यहाँ बेड काफ़ी बड़ा है तो दो लोग तो आप आराम से फिट हो जाओगे लैम्प्स भी खूबसूरत लगे हैं पीछे और बेड इतने सॉफ्ट है कि यहाँ लेटते ही आपको नींद आ जाएगी वैसे रूम काफ़ी बड़ा है और उसके साथ एक बड़ा सा वॉडरूम भी दिया है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो मेरे केस में मैंने यहाँ पे बैग रखा था कैमरा का और मेरे कपड़े टीवी भी दिया हुआ है बट तो आई एम श्योर आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बाथरूम काफ़ी डिसेंट लगा मुझे एक बेसिन है यहाँ पर जिसके साथ आपको मिलेगा शैम्पू और सोप का मोट दिया है और बाथरूम मुझे थोड़ा ओके लगा और ये लोग बेटर कर सकते थे यहाँ पर आप कुछ भी कहो नज़ारे ने मेरा दिल जीत लिया है यहाँ पर तो भूख लगते ही मैं चला गया इनके रेस्टोरेंट में जिसका नाम है सी एंड सैंड एंड यहाँ पैसा ज़रूरी नहीं कि आपको स्टे करना ही है आप खाना खाने भी आ सकते हो एंड एस्थेटिकली तो मुझे इतना प्लीजिंग नहीं लगा ये बट हर तरफ से खुला है तो हवाएँ बहुत अच्छी आ रही है एंड मैंने इस व्यू को इन्जॉय करने के लिए मेरा टेबल बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया आई ऑर्डर्ड पनीर बटर मसाला विच कॉस्टेड मी टू ट्वेंटी रुपीज़ एंड रोटी वॉज जस्ट रुपीज़ थर्टी सो दैट इज क्वाइट रीजनेबल एंड खाना यहाँ का बहुत डिलिशियस है स्पेशली विद दिस व्यू मैंने खाना इतना एंजॉय किया है यहाँ पे कैसे बताऊँ मैं आपको चलिए शाम हो गई है एंड ड्रिंक करने का मन तो आपका भी कर रहा होगा तो यहाँ पे ड्रिंक्स आपको वो लोग ला के देंगे विथ नो एक्स्ट्रा चार्जेस बिकॉज यहाँ पे बार बाजू में ही है विद इन अ किलोमीटर एंड आपको जाने की जरूरत नहीं है ऑल्सो अगर आपको भूख लगी है एंड आपको बाहर से खाना मंगाना है तो वो भी आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्विगी और जोमेटो दोनों अवेलेबल है चलिए रात का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है एंड इतनी ही शांति भी होगी यहाँ पे क्योंकि ये टाइम पे सिर्फ फैमिलीज और कपल्स यहाँ पे आते हैं जो पीछे बैठे हुए ऑलरेडी आपको ये व्यू काफ़ी डरावना दिख रहा है आई नो बट ट्रस्ट मी नहीं है आपको बहुत ठंडी हवा आएगी यहाँ पर बैठ के एंड नज़ारा भी अच्छा ही लगेगा आपको गुड मॉर्निंग पीपल एंड हमारे इस तीन हज़ार के पैकेज में चाय और पोहे इंक्लूडेड है जो मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी ब्रेकफास्ट में एंड डोंट वरी आपका ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिस नहीं होगा क्योंकि आपके डोर पे आके ये नॉक करके आपको बोलेंगे कि चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है ये फाइनली मैं आपको बताता हूँ इस प्लेस का नाम जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो सो so इस प्लेस का नाम है ओशन व्यू एंड एड्रेस मैं आपको वापस बता देता हूँ यह है नवापुर ऑन द बीच वेरार वेस्ट में जहाँ पे आप आराम से आइए इंजॉय कीजिए नंबर भी मैं आपको मेंशन करके दे रहा हूँ इस नंबर पे कॉल कर दीजिए एंड आपका बुकिंग हो जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय बाय टिल देन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब